अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शेख फरजंद अली फ्रॉम लाहौर ग्रुप एलडी सिटी एक्सपर्ट्स। व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं एज़ यूजुअल कहता चलूँ अपने न्यूली व्यूअर्स को कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब का और बेल आइकन दबा दें, और ऐसे ही हमारा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर दें ताकि आपको टाइमली जो है वो सारी अपडेट्स डिलीवर होती रहें। सो व्यूअर्स, आज हम इस टाइम हैं लिंक रोड के ऊपर जो 180 फुट फिरोजपुर रोड से आती है और काछा पे फॉल करके उसे आगे यही जो उन्होंने आगे 200 फुट चनाब रोड के साथ कनेक्ट करनी है। ये बेसिकली हम 200 फुट चनाब रोड से पहले उस 180 फुट पे खड़े हैं जो कि इन्होंने काछा रोड से लेके आगे यहाँ पे मिलानी थी। व्यूअर्स, आज हम आए हैं यहाँ पे चनाब रोड के ऊपर जो कि 200 फुट चनाब रोड है, और ये बेसिकली स्टार्ट होती है गजुमता से, लिंक रोड आती है 180 फुट की, और देन आगे ये इकबाल सेक्टर से 200 फुट रोड स्टार्ट हो जाता है जो कि आगे जिना सेक्टर को कनेक्ट करता है। तो इस टाइम जिस चनाब रोड पे हम हैं ये इकबाल सेक्टर में से गुजर रहा है, और यही फॉरवर्ड होके आगे 200 फुट जो है चनाब रोड जिना सेक्टर के साथ मिलता है, जिसके आपके ब्लॉक्स आ जाते हैं, सी ब्लॉक आ जाता है, उसके ऑपोजिट G1 ब्लॉक है, और फर्दर D ब्लॉक है, E ब्लॉक है, उसके अलावा G ब्लॉक आ जाता है, F ब्लॉक, J ब्लॉक, ये सबको 200 फुट रोड ही कनेक्ट कर रही है। सो गाइज़, हम आज यहाँ पे हैं इसलिए कि आपको दिखाते चलेंगे यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोसीजर जहाँ तक पहुँच चुका है वो आपको अपडेट दे दें। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये आबादी आपको कुछ नज़र आ रही होगी जो घर बने हुए हैं। ये बेसिकली वो एरिया है जो कि इस चनाब रोड के दरमियान में आ रहा है, जिसके लिए LDA ने मार्केशन कर दी हुई है वहाँ पर नंबरिंग की, उन्होंने नोटिफाई कर दी है वो एरिया जो कि डिमोलिश किया जाएगा, जिस जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हर्डल आ रही है इस टाइम। और नाज़रीन, इसके लिए जो है हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन जो है हमारे एक बहुत ही जो है हमारे प्यारे और हमारे बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, लेकिन अभी उनका जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इसके क्लियर हो जाने के बाद या इसके इस प्रोसीजर तक पहुंच जाने के बाद इम्पेक्ट क्या आना है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ये 200 फुट रोड आपकी कनेक्ट हो जानी है फर्दर जिना सेक्टर के 200 फुट चनाब रोड के साथ, जिसके लिए ओवरहेड ब्रिज भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे अन करीब, उस कनेक्शन की वजह से जो इम्पैक्ट आना है उसमें आपके 200 फुट चनाब रोड के साथ जितने भी ब्लॉक एडजेसेंट हैं, आपका सी ब्लॉक है, G1 ब्लॉक है, E ब्लॉक है, H ब्लॉक है, G ब्लॉक है, F है, J है, इन सब की प्राइसेस में ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 40-50% बूम तो आना ही आना है, इंक्रीज़ आना ही आना है। तो इस हवाले से भी आपको जो है इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि अगर आप में से भी किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं भी की तो अभी भी टाइम है कि मार्केट में इस टाइम बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोकेशंस की। आपकी कैटेगरी प्लॉट चाहते हैं, जनरल प्लॉट चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, आपकी जो बेहतरीन लोकेशन जो आपको पसंद हो आपको वो चीज़ अभी मिल सकती है। सो गाइज, ये पीछे का एरिया आप देख लें, ये वो जगह है, अगर आपको वो कैमरामैन दिखा सके तो मेरे पीछे वो 6 नंबर मार्क हुआ हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, और राइट साइड पे देखें तो उस पिलर के ऊपर 7 नंबर मार्क हुआ हुआ है, और ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जिस पे माज स्टेट लिखा हुआ है, इसको 1 नंबर मार्क लग चुका हुआ है फ्रंट साइड के ऊपर। बेसिकली ये वो रास्ता है जो कि इन्होंने एक्वायर करना है, जो कि इस स्टेज तक पहुँच चुका है कि मार्केशन हो गई है। फर्दर इसका क्या प्रोसीजर होगा, आगे क्या मामला चलते हैं, कब तक डिमोलिश किया जाएगा, इसके लिए मैं अब दावत देना चाहता हूँ अपने बहुत ही प्यारे मोहतरम सीनियर और हमारे LDA City के एक्सपर्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत साहब से कि वो आएँ और इस पर ब्रीफिंग दें आगे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। वैसे तो आज वैसे मैं इस मोड में नहीं था कि वीडियो हम शूट करें, शेख साहब ने इंसिस्ट किया तो इनको हम रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह इतने सीनियर पर्सन हैं कि जो LDA City के अंदर बल्कि DHA के अंदर भी डील करते हैं। तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्ट्रॉन्गली, अगर आप LDA City के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की अच्छी असेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप शेख फरजंद अली से ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फर्दर DHA के अंदर भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में भी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि जैसे माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है शेख फरजंद ने कि चनाब रोड लिंक होने से काफ़ी अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है जिना सेक्टर के अंदर,
जीना सेक्टर का आपको पता है कि तकरीबन कोई 80-90% डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है और आगे इंशाल्लाह ताला एक साल के अंदर अंदर इनका पोजेशन देने का प्लान है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 6 जो है वो साइंड हो गया है और उसकी जो अकॉर्डिंगली आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग है कि जो पहले जो सेक्शन 6 इन्होंने फॉरवर्ड किया था तो कमिश्नर ने कहा था कि आप इसकी लैंड की असेसमेंट दें, प्राइस असेसमेंट दें कि जितनी ज़मीन हमने एक्विजिशन में जाना है तो उसकी आप असेसमेंट दें। तो उन्होंने फर्दर उसकी असेसमेंट बना के भेजी। फिर एक ऑब्जेक्शन लगा कि आप फर्दर जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है उसकी भी प्राइस असेसमेंट दें, तो उसकी प्राइस असेसमेंट भी दे दी गई है। तो वो फाइनल हो गए, साइन भी हो गया। फर्दर उसके ऊपर LDA ने प्रैक्टिकली उन घरों को मार्क कर दिया है कि जो जो डिमोलिश होंगे। अब कमिश्नर ऑफिस से जो फर्दर इन्फोर्समेंट में जो इन्होंने इन्फोर्समेंट करनी है कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, इसके पैसे भी LDA की तरफ से जमा हो गए हैं और लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब सिर्फ प्रैक्टिकल होना है इन्फोर्समेंट का। उसके लिए डिसाइडेड है कितनी ज़मीन इनको चाहिए, 328 कनाल है या गालबन कोई इतके राउंड अबाउट ज़मीन है जो इन्होंने एक्वायर करनी है। तो उसका मेरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तकरीबन यहाँ पे कोई एक महीने के अंदर अंदर ना ये इन्फोर्समेंट हो जाएगी। और एक महीने के अंदर जब ये इन्फोर्समेंट होएगी तो डेफिनेटली जो एक प्रोजेक्ट समझ लेके अवेयरनेस है पब्लिक को, काछा इंटरचेंज है और गजुमता जो फिरोजपुर रोड से उन दोनों के साथ लिंक हो जाएगा, तो जितना भी ट्रैफिक फ्लो है LDA का जो कस्टमर है वो डायरेक्टली रिंग रोड से अप्रोच करके इसको विज़िट कर सकेंगे। तो उस वक़्त इसके अंदर जो प्राइजेज है ना, जो आज की प्राइजेज है उसमें तकरीबन को 40-50% गेन एक्सपेक्टेड है। तो मैं भी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म भी सोच रहे हैं तो ज़रूर LDA सिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको इसके अंदर फ़ायदा हो सके। ठीक सर, मेरा एक पर्सनल आपसे सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि LDA सिटी के जिना सेक्टर के अंदर इस वक्त ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है या इकबाल सेक्टर के अंदर? अपनी पर्सनल राय दें ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब बेसिकली मैं तो कहूँगा इसमें किसी को भी हम ना कम नहीं कर सकते। जिना सेक्टर अपनी एक कह लें अहमियत का हामिल है और इकबाल सेक्टर अपनी जगह पे बहुत वैल्यूएबल है। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो है इस टाइम इस रोड का पड़ना जिना सेक्टर को है, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर हम इकबाल सेक्टर में भी खड़े हैं ना तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस चनाब रोड के राइट लेफ्ट आपको आबादी नज़र आ रही है अभी, कि यानी इकबाल सेक्टर में थोड़ा सा कह लें कि वर्किंग जो है ना वो टाइम थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन इसकी निस्बत जिना सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप हो गया हुआ है। तकरीबन जितने भी ब्लॉक्स चनाब रोड के साथ कनेक्ट हैं, जितने भी ब्लॉक्स एल्स देन G1 ब्लॉक जो कि अभी न्यूली बैलेट हुआ है 4 सितंबर को, उसके अलावा हर ब्लॉक में काम हो रहा है, बल्कि हो भी चुका है, कई कारपेटिंग हो गई है। तो मेरी नज़र के मुताबिक जो मेरा पर्सनली आइडिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो आना है वो इसको आना है जिना सेक्टर को। लेकिन जब कनेक्शन इकबाल सेक्टर के थ्रू होता जा रहा है तो इकबाल सेक्टर को भी कुछ ना कुछ इम्पेक्ट लाजमी पड़ेगा। ये है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो ज़्यादा प्रेफरेबल यही है कि आप जिना सेक्टर में जाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी आने वाले दिनों में, ये नहीं कि वो बहुत बुरी है, बाकायदा इकबाल सेक्टर के अंदर मेन रोड गुजर रही हैं, 150 फुट रोड की रोड है, CCC के सराउंडिंग टोटल मेन बुलेवर्ड्स हैं, उसके अलावा इकबाल सेक्टर के अंदर जो है इनका अप्रूव्ड रिंग रोड का इंटरचेंज है, उसके अलावा रिंग रोड के दोनों तरफ इकबाल सेक्टर में प्लॉट्स हैं, आपके AA ब्लॉक उस साइड पे आ जाता है रिंग रोड के और रिंग रोड से इस तरफ BB ब्लॉक आ जाता है। तो मैं ये नहीं समझता कि इकबाल सेक्टर बहुत बुरा है या जिना सेक्टर, हर चीज़ अपने अपने लेवल के मुताबिक इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है वो इस टाइम जिना सेक्टर है। जिना सेक्टर में प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में पोजेशन के भी जो चांसेस हैं ना वो सबसे ज़्यादा जिना सेक्टर में देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क ऑलमोस्ट 80-90% कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन है तो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी अनकरीब टेंडर हो जाएगा, बेसिकली अभी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का तो हो गया है, वो जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिना सेक्टर मोस्ट प्रेफरेबल नाउ। बाकी आप बताएँ आपका क्या ओपिनियन है। जी शेख साहब, बिल्कुल आई डू एग्री
कि जिना सेक्टर के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है और माशाल्लाह से जो चार कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं काफ़ी एक्सपीडाइट उन्होंने काम को किया हुआ है प्रेफरेंस के तौर पे, और ई ब्लॉक है या एफ़ और जे ब्लॉक है उनमें तो कुछ पोर्शन के अंदर सीवरेज का काम कंप्लीट करके जो उनका कवर होता है उसका भी काम शुरू कर दिया है ताकि ये ना ग्रेजुअली पोजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो व्यूअर्स इस बात से मैं शेख साहब की के साथ एग्री करूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म चाह रहे हैं अगले कोई 3-4-5 महीने तक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी इस वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें और फौरी यहाँ पे कोई प्लॉट जो भी आपकी कैपेबिलिटी है 5 मरला में 10 मरला में 1 कनाल के अंदर आप ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सारी ही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त हैं बल्कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब कीमत के अंदर अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल मौजूद हैं हमारे पास, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो लास्ट में आप शेख साहब इंशाल्लाह इनसे हम कहते रहेंगे कि अगली भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह में कोऑपरेशन करते रहें ताकि हमारे व्यूवर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे और उनके लिए काफ़ी आसानी हो। व्यूवर्स तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक और जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है एलडीए सिटी से रिगार्डिंग उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़र होंगे। अस्सलामु अलैकुम। ओके, थैंक यू सो मच।